मेरा सुनिए ना, मेरा सवाल है, शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में एमआईएम पार्टी एमबीटी उतरी मैदान में, उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो हमने भी वादा नहीं और किया और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं हुई, नहीं किया हमने, कहा किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? आप हमने वादा कहा किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका हमने क्या नहीं किया था ना सर, ना हमको कोई पूछा है, ना हमने वायदा किया है, तो आप ये गलत बोल रहे हैं सर। सर आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट, एक मिनट, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया ना टीका किया ना टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया, हमारे उससे कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था, आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है, आप जैसे लोग आके बोलते हैं। सुनिए सुनिए ना सुनिए ना, आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई, आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई, हम आप कहे तो रहेंगे, ले तो नहीं रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है सवाल, बिल्कुल बात सीधी है, हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो मस्जिद हो चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए, हर किसी का सेम तरीके से मिलना चाहिए, पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं, बड़ा अजीब आदमी है।